Hello and assalamu alaikum. Welcome to Alpine Academy. Subject Biology, Class 9th, Sindh Textbook Board, Jamshoro. The textbook of biology for Class 9. अब हम चलते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी की तरफ, जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है फ्रॉग के ऑर्गन्स और उसका होल ऑर्गन सिस्टम. अच्छा, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं डाइसेक्टेड फ्रॉग. डाइसेक्टेड फ्रॉग का क्या मतलब है? मतलब डाइसेक्टेड का मतलब होता है हैविंग बिन कट अप फॉर एनाटॉमिकल स्टडी. मतलब कि हमने उसको कट किया है फ्रॉग को, ताकि हम उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर सकें. एनाटॉमी के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि एनाटॉमी जो है वो बायोलॉजी की ब्रांच है, जो कि मेनली जो है स्टडी है ऑर्गेनिजम्स, मतलब हयातियात की अंदर के स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनके मतलब पार्ट्स के बारे में, जो कि हमारे पास अपर लिम्ब हो सकता है, लोअर लिम्ब हो सकता है, ट्रंक हो सकता है, बैक हो सकता है, थॉरेक्स हो सकता है, एब्डोमेन हो सकता है, पेल्विस हो सकता है, हेड होता है, नेक होता है. तो ये सारे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं. अब हम डाइसेक्टेड फ्रॉग में देखेंगे कि इसमें क्या क्या हमें इस एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए हमें कौन से मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं और क्या उसका प्रोसीजर है पूरा, ठीक है, और किस तरीके से हम पूरे ऑर्गन सिस्टम को आइडेंटिफाई करेंगे. तो सबसे पहले हम मटेरियल्स रिक्वायर्ड की तरफ जाते हैं. हमें सबसे पहले चाहिए एक प्रिजर्व्ड फ्रॉग, एक डाइसेक्टिंग ट्रे, एक डाइसेक्शन बॉक्स और कुछ पिंस. अब डाइसेक्शन बॉक्स हमने देखा होगा, या यूजुअली मेडिकल के स्टूडेंट्स ने देखा भाई होता है कि इसमें जो है पिंस होती हैं, प्रोब्स होती हैं, ब्लेड्स होते हैं, सिजर्स होते हैं, जो कि डाइसेक्शन में मतलब जब कट ओपन कर रहे होते हैं तो वो टूल्स ये सारे रिक्वायर्ड होते हैं. तो डाइसेक्शन बॉक्स में ये सारे इंक्लूडेड होते हैं, ये सारे के सारे टूल्स. और जो है डाइसेक्शन ट्रे जो होती है हमारे पास, वो प्रोवाइड करती है हमें स्पेस, ताकि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को या जिस चीज़ की भी हम डाइसेक्शन कर रहे हैं उसको उसमें प्लेस कर दें और इजीली अपना पूरा प्रोसेस कैरी आउट कर सकें. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्रिजर्व्ड फ्रॉग मतलब के महफूज शुदा, मतलब प्रिजर्व्ड फ्रॉग मतलब महफूज शुदा जो है मेंढक लेना होगा हमें, और हमें उसको केयरफुली डाइसेक्टिंग ट्रे में रख देना होगा उसकी बैक की साइड से. अच्छा, एक बात हमारे ध्यान में ये होती है कि वर्टिब्रेट्स जो के वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके अंदर वो ऑर्गेनिजम्स जो के एनिमल और ह्यूमंस दोनों ही होते हैं वर्टिब्रेट, वो कहलाते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है और वो सराउंडेड होते हैं कार्टिलेज और बोन्स से. तो वर्टिब्रेट्स को जब हम डाइसेक्ट कर रहे होते हैं तो उनको हम जो है वेंट्रली करते हैं डाइसेक्ट. वेंट्रली मतलब फ्रंट से जो एब्डोमेन साइड होता है उस साइड से हम इनको डाइसेक्ट करते हैं. अब जो है हमें इसको फ्रॉग को क्या करना होगा कि पिन डाउन कर देना है उसको, कहाँ से, फोर लिम्ब से और हिंड लिम्ब से. मतलब ये कि उसको केयरफुली जो है पिन डाउन करना है फोर लिम्ब से और हिंड लिम्ब से. फोर लिम्ब्स क्या होते हैं? वो लिम्ब्स कहलाते हैं जो कि एनिमल के फ्रंट पार्ट पे होते हैं, जो कि इंक्लूड करते हैं आर्म्स वगैरह. और हिंड लिम्ब्स जो होते हैं वो जो है यूजुअली दे आर फाउंड इन बैक पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब ये बैक साइड पे मौजूद होते हैं बॉडी में. और इनको हम सिंपली इनमें क्या होता है, लेग्स होते हैं हिंड लिम्ब्स में इंक्लूडेड. अब हम क्या करेंगे कि हमने जो है सीजर लेनी है और उसकी जो है एब्डोमेन को वेंट्रली जो है कट डाउन कर देना है फ्रॉम क्लोका टू द माउथ. क्लोका जो है वो सबसे वो वाला पार्ट कहलाता है डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट वाला. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे मज़ीद डिटेल्स में. अब क्या करना है, हमें डायग्राम की हेल्प से जो है वो सिंपली जो है ऑब्जर्व करने हैं और उनको क्लियरली जो है डिफरेंट ऑर्गन्स को लोकेट करना है और एक्सपोज करना है और उनको आइडेंटिफिकेशन उनकी दे देनी है सिंपली कि कौन सा ऑर्गन क्या है और कौन सा ऑर्गन जो है किस ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड है और उस ऑर्गन का क्या फंक्शन है. सिंपली जैसे कि ऑर्गन सिस्टम जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन सिस्टम हमारे इंक्लूड करता है वो होता है माउथ. माउथ में जो है सिंपल पहले एक खुराक जाती है सबसे पहले मुँह में हमारे, और माउथ जो है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट इसलिए कहलाता है क्योंकि माउथ में हमारे सलाइवा होता है जो कि सलाइवरी अमाइलेज कंटेन करता है, जहाँ पर फर्स्ट फेज ऑफ डाइजेशन जो है वो कैरी आउट हो जाता है.
इसी तरीके से सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं और उनके फंक्शंस हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में बता दिया मैंने माउथ का, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें जो है हार्ट, आर्टरी, वेंट्रिकल और ये सारी चीज़ें आती हैं, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें लंग्स, ट्रेकिया, नोस्ट्रल्स वगैरह आते हैं, और एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसमें किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर आता है, फिर हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें टेस्टिस वगैरह आते हैं, ओवरीज आता है, ओविडक्ट आता है एक्सेट्रा, और फिर हमारे पास जो ऑर्गन सिस्टम है लास्ट में वो है नर्वस सिस्टम, जो कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स पे कंसिस्ट करता है। हम सिंपली जो है वो फ्रॉग को जो है डाइसेक्ट कर लेंगे और जो है उसको डायग्राम की मदद से हम उन सारे ऑर्गन सिस्टम्स को और उनके ऑर्गन्स को जो है डायग्राम की हेल्प से आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब इस स्लाइड पे जो है हमने एक फ्रॉग जो है ड्रॉ किया हुआ है और उसको लेबल किया हुआ है। ये जो फ्रॉग है वो डाइसेक्टेड फ्रॉग है जिसमें जो है आंसर की उसके साथ ही मौजूद है। फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास टंग है, सेकंड जो है उसकी आई है, थर्ड है ब्रेन, फोर्थ जो हमारे पास पार्ट है वो लंग्स है, जो ब्लू कलर से थोड़ा सा थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे लीव है लेकिन ब्लू कलर की लीव है। तो ये जो है हमारा लंग है, फर्स्ट लंग, और जो है ये पूरा सेकंड जो है उधर जो उधर की साइड पर राइट साइड की तरफ पे जो थोड़ा सा एक बना हुआ है वो भी लंग है दूसरा। तो ये साथ दोनों मिलकर आपस में लंग्स हैं। और फिर हमारे पास फिफ्थ पे है लिवर, सिक्स्थ पे है गॉल ब्लैडर, सेवन पे हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, एट पे हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है, नाइन पे हमारे पास ईयर है, टेन पे हमारे पास हार्ट है, इलेवन पे हमारे पास पैनक्रियाज हैं, ट्वेल्थ पे स्टमक है, थर्टीन पे ब्लैडर है, और सबसे लास्ट पार्ट जो क्लॉका का डाइजेस्टिव सिस्टम का था वो हमारे पास था क्लॉका, जो कि 14 नंबर पे है। अब हम चलते हैं, हमारा चैप्टर एंड हो चुका है फ्रॉग की डाइसेक्शन की साइड पे, और अब हम चलते हैं कि हमने कितनी जो है नॉलेज एक्वायर कर ली है इस चैप्टर से, उसको जो है हम उसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं थ्रू क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है इन सर्कल द करेक्ट आंसर, मतलब कि हमें सर्कल करना है करेक्ट आंसर को। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है अ लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट बिलोंग टू द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड अ डैश, मतलब हमारे पास चार ऑप्शंस जो गिवन है ए बी सी डी, इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि इसका आंसर क्या है। तो अ लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट बिलोंग टू द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन। फिर हम चलते हैं सेकंड की तरफ, जो कि है इंक्रीज्ड क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन, तो इसका आंसर है फिशरीज, क्योंकि फिशरीज में ही क्वांटिटी जो है वो फिश प्रोडक्शन की इंक्रीज करते हैं, तो इसका आंसर है ए, जो कि है फिशरीज। अब जो है थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स, तो ये कौन सी स्टडी थी हमारे पास, पैलेंटोलॉजी, मतलब इसका आंसर है बी, पैलेंटोलॉजी में ही हम फॉसिल्स की फॉसिल्स के थ्रू जो है हम पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ के बारे में पता लगा सकते हैं, ये वो स्टडी है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द लिविंग प्रोसेसेस ऑफ लाइफ, मतलब ये कि जो फिजिक्स की टेक्निक्स और लॉज हैं वो जो है अप्लाई करते हैं ताकि हम लिविंग प्रोसेसेस को एक्सप्लेन कर सकें, तो इसका मतलब है कि लॉज है और टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स है, तो इसका मतलब इन चार ऑप्शंस में हमारे पास बायोफिजिक्स गिवन है, तो इसका आंसर है सी, तो हम इसको इनसर्कल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस का, तो जो है इसका आंसर है ये वो स्टडी, अगर हम पहले की वो याद करें तो ये वो वाली स्टडी थी जिसमें मेडिसिन और सर्जरी दोनों के बारे में बात हो रही थी, क्योंकि यही वो साइंस है जिसमें डायग्नोसिस भी होती है डिजीजेस का और ट्रीटमेंट भी होता है, तो ट्रीटमेंट किसके थ्रू होता है, मेडिसिन के थ्रू होता है, और जो है क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है बोथ बी एंड सी, मतलब कि इसका आंसर है डी, जो डी है वो इसका आंसर है जिसमें लिखा है बोथ बी एंड सी। फिर हमारे पास सिमिलर सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म, मतलब बहुत सारे सेल्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं, हमें पता है सेल्स बहुत सारे मिलके आपस में टिश्यू बनाते हैं, तो इसका आंसर है सी। फिर जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग इज, तो साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग हमारे पास क्या था, राना टिग्रीना, तो राना टिग्रीना अगर हम इन ऑप्शन में देखें तो है वो बी में, तो इसका आंसर है बी, हम बी को इनसर्कल कर देंगे। फिर हमारे पास सिलेक्ट द करेक्ट शेप,
आंसर्स जो है वो क्विकली हम रिव्यू करते जा रहे हैं और आंसर्स जो हैं वो एक स्लाइड पे गिवन है। अब हम चलते हैं फिलिंदा ब्लैंक्स की तरफ जिसके आंसर्स भी नेक्स्ट स्लाइड पे गिवन होंगे, लेकिन हम इसका क्विक रिव्यू कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू अचीव डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स आर कॉल्ड डैश। मतलब वो टेक्निक्स जिसमें हम जीन में कोई भी अपनी तरफ से एक डिज़ायरेबल कैरेक्टर के लिए हम उसके अंदर कोई भी चेंज ला सकते हैं, तो वो टेक्निक क्या कहलाती है? वो टेक्निक हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। फिर सेकंड है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये कि वो डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट लिविंग मतलब बहुत सारे अलग अलग हयातियात की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब वो किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, किन किन एरियाज़ में, ये बताना है वर्ल्ड के। तो इसका आंसर है हमारे पास हमने इसकी स्टडी के बारे में पढ़ा था कि बायोजियोग्राफी जो है वो स्टडी होती है जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो इसका आंसर है हमारे पास बायोजियोग्राफी। फिर है थर्ड क्वेश्चन हमारे पास पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट एंड देयर फ्रूट इज डैश। मतलब वो एग्रीकल्चर का पार्ट जिसमें हम न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट मतलब प्लांट की या फ्रूट की न्यू वेराइटीज इंट्रोड्यूस कराते हैं वो क्या है? वो हमारे पास हॉर्टिकल्चर है। फिर हमारे पास फोर्थ में है बायो एलिमेंट्स कंसीडर्ड एज वाइटल फॉर लाइफ आर, वो CHONPS वाला जो था जिसमें कार्बन था और जो है नाइट्रोजन था ये सब था, तो ये वो कौन से थे? इससे मेन एलिमेंट्स वो थे, सिक्स मेन एलिमेंट्स थे। इसका आंसर है सिक्स एंड मेंबर्स। मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड। मतलब वो मेंबर्स जो एक स्पेसिफिक हैबिटेट में रह रहे हों डिफरेंट स्पीशीज़ के, उनको हम कहते हैं कम्युनिटी। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन द मुस्लिम साइंटिस्ट हु आइडेंटिफाइड मैनी डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस मेनिंगटिस एंड अदर सच इन्फ्लेमेशन वॉज। कौन था हमारे पास वो साइंटिस्ट जिसने ये सब कुछ ये सारी डिजीज़ आइडेंटिफाई करी थी TB वगैरह जैसी? तो वो था हमारे पास बू अली सिन्हा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड डैश। मतलब वो जगह अर्थ में जहाँ पर जिंदगी है हयात है वो कौन सा पार्ट कहलाता है? वो कहलाता है बायोस्फीयर। फाउंडेशन ऑफ लाइफ के नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाउंडेशन ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन डैश। तो फाउंडेशन ऑफ लाइफ बेस्ड करती है एक तो बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन सबसे मेन जो यूनिट है वो है सेल फाउंडेशन का। तो इसका आंसर है सेल। फिर है नाइन्थ पे हमारे पास फिश इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ डैश। तो फिश जो है मतलब मछली जो है वो किस चीज़ को हमें ज़बरदस्त क्या चीज़ वो प्रोवाइड करती है जिससे हमें कुछ मतलब इस तरीके की एनर्जी मिलती है, या फिश इज़ बेस्ट नोन फॉर व्हाट? तो इसमें आंसर है हमारे पास प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़्यादा तादाद में फ़िश में पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारी फिलिंदा ब्लैंक्स का रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग ऑल्सो शो सम यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन डिटरमिनिंग द डैश ऑफ फॉसल्स। मतलब रेडियो लेबलिंग और कार्बन डेटिंग जो है वो हमें शो करती है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को डिटरमिन करने में, उनकी डैश फॉसल्स की डैश डिटरमिन करने के लिए। तो वो क्या डिटरमिन करते थे? हम फॉसल्स की करते थे एज डिटरमिन इनके थ्रू। तो इसका लास्ट आंसर है एज, जो कि गिवन है हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में। सारे के सारे आंसर्स एक साथ गिवन है जो कि नेक्स्ट उसमें आपको दिख जाएंगे। अब हम चलते हैं डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स की तरफ जो कि है एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, बायोमेट्री, बायोजियोग्राफी, सर्जरी, एनिमल हस्बेंड्री, बायो एलिमेंट्स। इनको हमें शॉर्टली से डिफाइन करना है, तो इनको चलें डिफाइन करते हैं। आंसर्स हैं हमारे पास एनाटॉमी। एनाटॉमी का आंसर है स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी बाय कटिंग देम ओपन इज नोन एज एनाटॉमी। हिस्टोलॉजी मतलब वही स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर जो कि टिश्यूज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स जो कि उनके स्ट्रक्चर और टिश्यूज़ के बारे में जो स्टडी कहलाती है वो कहलाती है हिस्टोलॉजी। फिर है हमारे पास इम्यूनोलॉजी, ये जो है वो उसमें गिवन नहीं है, लेकिन इसका जो है शॉर्ट सा मैं आपको बताती चलती हूँ कि इम्यूनोलॉजी जो है वो ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि कवर करती है इम्यून सिस्टम की स्टडी। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो इम्यून सिस्टम पाया जाता है और उसकी स्टडी जो है वो कहलाती है इम्यूनोलॉजी। तो
तो इम्यूनोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट कवर्स ऑल द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स. फिर है हमारे पास फार्माकोलॉजी. फार्माकोलॉजी जो है वो ब्रांच है मेडिसिन की जो कि कंसर्न है ड्रग और मेडिसिन के एक्शन और वो किस तरीके से रिवर्ट बैक करते हैं या बॉडी में जाकर क्या काम करते हैं, ये वो स्टडी को कहते हैं फार्माकोलॉजी. फिर है हमारे पास एंटोमोलॉजी. एंटोमोलॉजी जो है वो ब्रांच है जूलॉजी की जो कि स्टडी करती है इंसेक्ट्स. मेनली स्टडी जो एंटोमोलॉजी जो मेन स्टडी है वो है इंसेक्ट्स की. साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स कहलाती है एंटोमोलॉजी. फिर हमारे पास बायोमेट्री द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच कलेक्ट्स डेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मतलब वो ब्रांच बायोलॉजी की जो कि मैथ्स में थोड़ी सी आ जाती है, जिसमें इंटरप्ट करती है मैथ्स जो कि कलेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेटा में यूज़ होती है. तो ये जो है रिसर्च वगैरह के पार्ट में यूज़ होता है ये वाला पार्ट बायोमेट्री का. अब है हमारे पास बायोजियोग्राफी जो कि डील करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स. मतलब अलग अलग जगहों पे कौन कौन सी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहती हैं और उनका सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन, इस पूरे उसको स्टडी को कहते हैं हम बायोजियोग्राफी. कुछ ऐसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं जो कि एक ही पर्टिकुलर एरिया में रहती है, तो इस तरीके से इस स्टडी को पूरा हम कहते हैं बायोजियोग्राफी. फिर चलते हैं हम सर्जरी की तरफ. सर्जरी जो है वो मेनली डील करती है रिपेयर रिप्लेसमेंट और रिमूवल ऑफ द अफेक्टेड ऑर्गन. फिर है एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री जो है पार्ट है एग्रीकल्चरल साइंस का जो कि मेनली डील करता है ब्रीडिंग एनिमल्स की और क्या जो है वो कौन से एनिमल्स जो है वो बेनिफिशियल है ह्यूमंस के लिए. ये मेन वो है पार्ट एनिमल हस्बेंड्री का. तो एनिमल हस्बेंड्री इज़ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस और ये मेनली डील करती है विद केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स विच आर बेनिफिशियल फॉर मैन. फिर हमारे पास बायो एलिमेंट्स. यहाँ पर हमारे पास 100 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, मगर इनमें 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं. बायो एलिमेंट्स क्या हैं? वो एलिमेंट्स जो कि ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं. तो सिर्फ 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ कहलाते हैं, जो कि है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन एट्सेट्रा. अब हम चलते हैं क्विक रिव्यू थ्रू राइटिंग अ शॉर्ट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग. अब ये क्या है हमारे पास गिवन क्वेश्चन 1 है व्हाई सब्जेक्ट बायोलॉजी इज़ नेम्ड एज मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट. मतलब सब्जेक्ट बायोलॉजी जो है वो डायमेंशनल सब्जेक्ट क्यों इसका नाम दिया गया है कि वो मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है. फिर है फार्मिंग जो है, फार्मिंग का प्रोफेशन जो है वो मैनकाइंड को किस तरीके से हेल्प करता है. फिर है क्वेश्चन व्हाई स्पीशीज इज कॉल्ड एज स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक लेवल. मतलब टैक्सोनॉमिक लेवल में स्पीशीज क्यों आती हैं, मतलब जो है टैक्सोनॉमिक लेवल में जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो स्पीशीज का क्यों है. और जो है पॉपुलेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हाउ पॉपुलेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिटी. कम्युनिटी से पॉपुलेशन किस तरीके से अलग है. फिर है हाउ न्यू वराइटीज ऑफ प्लांट आर प्रोड्यूस्ड. मतलब और ज़्यादा नई से नई नस्ल किस तरीके से बना सकते हैं हम प्लांट्स की, किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं. फिर है हमारे पास ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ फ्रॉग्स डाइजेस्टिव सिस्टम. ये जो है हमने पहले भी देखा था लेकिन ये सिंपली ड्रॉ करनी है. तो जो है वो उसको देखकर आप सिंपली ड्रॉ कर लें और उसके जो मेन ऑर्गन सिस्टम्स हैं और उसके जो ऑर्गन सिस्टम्स इंक्लूड करते हैं उसके ऑर्गन सिस्टम्स बनाने, तो वो जो है सिंपली ड्रॉ करके उसको लेबल कर देना है. तो हमारे पास सिंपल जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें इसकी फ्रॉग की जो है डायग्राम बनानी है. तो हम सिंपल क्या करेंगे, वही डायग्राम ले लेते हैं. उसमें हम सिर्फ जो है क्या करेंगे कि सिर्फ जो है उन ऑर्गन सिस्टम, मतलब जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है, तो उसमें हम सिर्फ उस ऑर्गन्स को लेबल करेंगे जो कि इंक्लूड करते हैं डाइजेशन, जैसे कि माउथ, बगल कैविटी, फेरिंग्स, एसोफिगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, क्लोका, लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज. ये सिंपली जो है डाइसेक्टेड डायग्राम की उससे जो कि डाइसेक्टेड फ्रॉक है उसमें से आप एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं ये सारे ऑर्गन्स जो कि इंक्लूड करते हैं एक फ्रॉक का डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू विच स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ और एंड्स इन क्लोका. तो माउथ जो है वो आप देख लें किधर है और उसको सिंपल लेबल कर दें.
अगर आप देख लें उसका एसोफेगस किधर है फ्रॉग का, उसको वहाँ पे लेबल कर दें। इस तरीके से सिंपली हमारा ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 6 जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। अब हमारे पास जो लास्ट रिव्यू क्वेश्चंस में है वो है राइट डिटेल्ड आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्वेश्चन इंक्लूडेड है डिस्क्राइब द रोल ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, मतलब हमें बायोलॉजी में मुस्लिम साइंटिस्ट ने क्या पार्ट प्ले किया इसके बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल्ड आंसर लिखना है। फिर हमें डिस्क्राइब द रिलेशनशिप लिखना है ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेज, और फिर लास्ट में हमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब करनी है। फर्स्ट आंसर है हमारे पास उसका जिसमें हमें डिफरेंट रोल जो है वो किस तरीके से बायोलॉजिकल साइंस में डेवलपमेंट में किस साइंटिस्ट ने किस मुस्लिम साइंटिस्ट ने प्ले रोल किया उसका आंसर है, मतलब कि जिसमें जाबिर बिन हयान का वर्क है, अब्दुल मलिक असमाई का और अबू अली सिन्हा का है। ओके, द मुस्लिम साइंटिस्ट हैव प्लेड ग्रेट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, दे बिगिन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ हिजरा। इन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स थे और ऑब्जर्वेशंस थे फर्स्ट सेंचुरी ऑफ हिजरा से स्टार्ट किए। द इम्पॉर्टेंट मुस्लिम साइंटिस्ट हू मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी आर नोन एज जाबिर बिन हयान, अब्दुल मलिक असमाई एंड अबू अली सिन्हा। यही वो इम्पॉर्टेंट मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिनका सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी। फिर एक क्वेश्चन हमारे पास डिस्क्राइब द रिलेशनशिप्स ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेज, मतलब बायोलॉजी के अदर साइंसेज से क्या रिलेशनशिप है। तो बायोलॉजी जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है जो कि लिंक करता है अदर साइंसेज से। फॉर एग्जांपल मूवमेंट ऑन एनिमल्स, मतलब कि लॉज ऑफ मोशंस, बायोलॉजी इज कंसिडर्ड एज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस जो कि बाकी साइंसेज से रिलेटेड है। सम ऑफ द एग्जांपल्स जो हैं उसकी बायोलॉजी की वो हैं बायो मैथमेटिक्स, मतलब बायोमेट्री, बायो ज्योग्राफी, बायो केमिस्ट्री और बायो इकोनॉमिक्स। फिर हमें लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करने हैं। तो ये जो द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड आर बेस्ड ऑन केमिकल फाउंडेशन, जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो बेस करते हैं किस पे, केमिकल फाउंडेशन पे। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मेड अप हैं सेल से और प्रोटोप्लाज्म, सेल के प्रोटोप्लाज्म से। तो इसमें जो है हमारे पास लेवल्स में जो आते हैं हमारे पास वो तीन तरीके के लेवल्स आते हैं। एक आता है एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये थे हमारे 3 डिटेल्ड आंसर्स जिसमें जो है हमें रोल बताना था मुस्लिम साइंटिस्ट का और रिलेशनशिप बताना था बायोलॉजी का अदर साइंसेस और हमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताना था। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग इस ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं हमें या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या तो फिर नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज छोड़ दें, हम ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू।